आज डायरी ले लेना। ये पापा की बात नहीं मानता घर पे? कल खेतों पे क्या कर रहे थे आप दोनों? पापा तो मना कर रहे थे कि मैंने खेतों पे नहीं बुलाया। क्या करने गए थे खेतों पे? अच्छा अच्छा, और ये क्या कर रहा था? आप क्यों गए थे खेतों पे? आपने भी कटाई कराई थी? आप लोगों ने नहीं कराई? तो पापा को बोलो, पापा जी हम करा देंगे, हमें कुछ आप तो कटाई नहीं हो रही थी। क्या हो रहा था खेतों पे कल? बोंगे धरा था। आपको आता है बोंगे धरना? नहीं आता? ये बोलता है ना, ये झूठ बोलता है। कैसे कैसे झूठ बोलता है? 100 रुपए की चीज खा गया था ये? क्या खाया था 100 रुपए का? ओके, पूजा करके आ रहे हो आज? ये कल का टीका लगा हुआ है। हाँ, आप इधर आ जाओ, अपने बारे में बताइए, कुछ बताओ। Tell me something about yourself. Your name, your village name. My name is Parishama. I study in class 3rd. Very good. I am in Khangavli. Oh, you do live in Khangavli? Any sport you like playing? Koi sports aapko bahut pasand hai? खेलते क्या घर पे? कुछ नहीं खेलते? फ्रेंड्स हैं आपके गांव में? ओके, तो क्या करते हो उनके साथ जाके? घूमते हो? अच्छा, ओके। मैम डरो नहीं, आप भी मेरे ब्लॉग में आ सकते हैं, डरो नहीं। दीपक मेरे लिए बहुत अच्छी सी चॉकलेट लगी। मेरे लिए? किसके लिए? अच्छा अच्छा, नहीं आए थे बिकॉज ही वॉज बिजी इन द फील्ड, पापा ने रोक लिया था। तो क्या काम करा आपने कल खेतों में? क्या करा, क्या देखा, क्या सीखा, मुझे बताइए। क्या घर पे रहे टाइम पास करा, या खेतों पे अपन गए खाना खा के वापस आ गए? कुछ मदद कराई? क्या चल रहा था खेतों पे काम? गेहूँ कट रहे थे? अच्छा, कैसे कट रहे थे गेहूँ? मशीन से, हाथों से? अच्छा, तो कितना खेत कट गया कल? आधा कट गया। कितना बीघे होगा लगभग? 4 बीघे खेत कट गया। अच्छा अच्छा, अब उनके पूले भी बांध दिए? अभी नहीं बांधे। तो आपने क्या करा इस पूरी प्रक्रिया में, मुझे बताइए। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम ऑल दिस प्रोसेस व्हिच वाज हैपनिंग देयर? यस, डोंट टॉक। तो आपने क्या सीखा? बहुत मेहनत का काम है। हाँ, किसान का काम बहुत मेहनत का है। हाँ, आप लोगों को पता नहीं लग पाता है। चलिए, क्या करा आपने? मतलब खेतों पे आप गए थे, तो डिड यू हेल्प योर फादर और मदर, और जस्ट लाइक दैट यू वर रोविंग एंड एंजॉयिंग योर हॉलीडे? कुछ काम करा खेतों पे? क्या काम करा बताइए, बता नहीं पा रहे हो। सो वी हैव बीन डूइंग द चैप्टर कॉल्ड यूनिवर्स, एंड देवेश इज टेलिंग अस दैट हाउ द फॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिवर्स हैज बीन और इट हैज बीन क्रिएटेड और इट हैज बीन फॉर्म्ड। तो दोबारा बताइए क्या कहना चाह रहे थे? कुछ छोटी सी बॉल थी, फिर उसके अंदर इतना सारा वजन था कि जिसको हम नाप भी नहीं सकते, उसको हम गिन भी नहीं सकते, और उसके अंदर इतना सारा वजन होने की वजह से वो फट गई, और वो आज भी उतनी ही तरह से बढ़ गई है। ओके, सो द वे ही हैज एक्सप्लेन एंड व्हाट ही थिंक्स दैट इज आल्सो नॉट रॉन्ग, आई वुड से, इन अ वे, इन अ वन काइंड ऑफ वे। सो बट
इट इज़ अ मच लार्जर कॉन्सेप्ट देन वॉट देवेश हैज बीन. सो महक इज स्टडिंग. हाँ, वॉट यू आर, महक को भी दो दिन हुए, शी इज स्टडिंग सो गुड, हर वर्क इज कम्प्लीटेड. वॉट यू गाइस आर डूइंग? हाँ जी बॉयस, इतने दिन हो गए तुम्हें इस क्लास में, क्या कर रहे हो आप लोग? ओके, वर्क हैज बीन कम्प्लीटेड, वेरी गुड महक बेटा. ओके सो यस बेटा, यू कैन सीट. डैश आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट. वेरी गुड वेरी गुड. आई विल आस्क यू क्वेश्चन, जस्ट वेट. द सन इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ डैश. मैक बेटा सिट डाउन. वेरी गुड. द प्लैनेट दैट हैज रिसेंटली बीन क्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट. वेरी गुड. बताइए आप वाटर बॉटल क्यों लेकर नहीं आते हैं? क्या हो जाता है, पानी निकल जाता है आपके बैग में? लोग वाटर बॉटल लेकर आते हैं इस पूरी क्लास में, वाटर लीक हो जाती है क्या? तो आपकी बॉटल लीक है, चेंज करिए उसको. ठीक है, इतनी गर्मी पड़ रही है, सो ब्रिंग योर वाटर बॉटल. यू हैव द वाटर बॉटल, बोथ ऑफ यू? यस बोथ ऑफ यू. वेरी गुड 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 गुड. डैश इज अ नैरो बेल्ट वेयर द थ्री पार्ट्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट मीट. यस ओके. डैश इज नैरो बेल्ट वेयर द थ्री पार्ट्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट मीट. थ्री पार्ट्स ऑफ द बायोस्फीयर. बायोस्फीयर वेरी गुड. ओके जिया वॉन्ट्स टू आंसर. नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट अबाउट डैश ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर. द डैश इज द आउटर कवरिंग ऑफ अर्थ ऑन विच वी ऑल लिव. जहां पर हम रहते हैं, ऑन लिव विच लेयर? लिथोस्फियर. ओके थैंक यू फॉर द क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एवरीवन. ओके बेटा बेस्ट ऑफ लक. इतनी मेहनत दुर्वंग बीबी. गुड आफ्टरनून टू ऑल. वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून.